हेलो एवरीवन, उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पावर एंड प्रमोशन ऑफ पुलिस ऑफिसर। जो पुलिस ऑफिसर का क्या क्या पावर होती है, किस रैंक तक जाते हैं, किस रैंक तक उनका प्रमोशन होता है, कांस्टेबल से उठाएंगे हम और डीजीपी तक की बात करेंगे कि इनको कैसे हम पहचाने। और कई कई एग्ज़ाम में फुल फॉर्म भी इसके पूछ दिए गए हैं, जैसे जेल वार्डन हुआ था, SDGP का फुल फॉर्म पूछा था, ADGP का फुल फॉर्म किसी मतलब IB एग्ज़ाम में पूछा था। तो आप देख सकते हैं कि देखिए, मेरा पर्पस था कि आपको पुलिस लाइन में जिस डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, आपको उसके बारे में हर सब कुछ पता होना चाहिए। तब आपको एक मोटिवेशन भी मिलता है कि हम इस रैंक तक जा सकते हैं, इसकी क्या क्या पावर होती है, मैं सब बताने वाला हूँ। तो पेशेंस बनाए रखिएगा। वीडियो थोड़ा 8 मिनट हो सकता है या 10 मिनट हो सकता है, ज़्यादा लेंदी भी नहीं करूँगा। 8-10 मिनट अगर आप देख रहे हैं तो कोई बहुत ज़्यादा आपका टाइम नहीं जाने वाला, ठीक है? तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पुलिस लाइन में सबसे जो हमारी छोटी पोस्ट होती है, एक तरीके से कह सकते हैं कांस्टेबल होती है, पुलिस कांस्टेबल की पोस्ट होती है। और ये दैनिक जीवन में कानून व्यवस्था बनाने के लिए भारत सरकार ने पुलिस कांस्टेबल का निर्माण किया था, पुलिस बल का निर्माण किया था, जिसमें पुलिस कांस्टेबल बहुत ज़्यादा रोल रहता है, ठीक है? और कांस्टेबल हमारी जो हो गई पहली, एक जज कह सकते हैं, यहीं से हम अधिकतर यूथ यहीं से शुरुआत करते हैं। और कांस्टेबल से प्रमोट होकर सीनियर कांस्टेबल बना जाता है। इसमें देख रहे होंगे आपको दो पट्टी लगी रहती है, तो यहाँ आप देख सकते हैं। और जबकि कांस्टेबल में कोई भी मतलब इस तरह की पट्टी नहीं रहती, और सीनियर कांस्टेबल आप डायरेक्ट नहीं बन सकते, कांस्टेबल से प्रमोट होकर सीनियर कांस्टेबल ही बना जाता है, ठीक है? और तीसरे पे प्रमोट होके हमारा हेड कांस्टेबल आता है। तो हेड कांस्टेबल में देख रहे होंगे आपकी तीन पट्टी बनी रहती है, कहीं कहीं पीली पट्टी रहती है, कहीं कहीं रेड पट्टी देख रहे होंगे आप रहती है, और कहीं कहीं रहती है आपकी सफ़ेद पट्टी। जैसे यूपी पुलिस में हेड कांस्टेबल को सफ़ेद पट्टी, तीन सफ़ेद पट्टियां दी जाती हैं, जबकि दिल्ली पुलिस में आप देख रहे होंगे कि इनको कि तीन पट्टी लगी है, ये दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल हैं, तो ये रेड में हैं, ठीक है? देखिए, मैक्सिमम जो हेड कांस्टेबल तक कांस्टेबल पहुंचते हैं प्रमोट होके हेड कांस्टेबल ही तक, और जाते जाते अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, आपका रिकॉर्ड अच्छा है, तो आप ASI या SI रैंक तक भी कांस्टेबल पहुंचते हैं। लेकिन सब लोग नहीं पहुंचते हेड कांस्टेबल तक, सब लोग पहुंच जाते हैं, ठीक है? अगर आप जैसे आप भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा किए हैं, आपका रिकॉर्ड ख़राब है, तो आप SI नहीं बन सकते कांस्टेबल से। अदरवाइज आपकी बनने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है कि आप SI रैंक तक कांस्टेबल से पहुँच सकते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे, इसके बाद तीसरा प्रमोशन आपका आ जाता है कौन सा, ये आ गया आपका, देखिए ASI। ASI जो रैंक होता है, आप देख रहे होंगे सिंगल स्टार, यहाँ आप देख रहे होंगे कि एक रेड पट्टी लगी है, एक ब्लू पट्टी लगी है, जिसको आप देख रहे होंगे। यहाँ भी आप देख रहे होंगे सर का कि यहाँ एक स्टार है और रेड पट्टी और ब्लू पट्टी लगी है, ठीक है? तो ये SI यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की सिंगल स्टार की पोस्ट है। यही हेड ऑपरेटर में हमारे आपकी आपको पोस्ट मिलने वाली है, कि ऐसे ही आपको सिंगल स्टार मिलेंगे, ना कि डबल स्टार पहले मिल जाएंगे। सिंगल स्टार मैंने बार बार बता दिया था, आप लोग कमेंट भी कर रहे थे कि नहीं सर डबल स्टार है, तो डबल स्टार की नहीं है। डबल स्टार देखिए SI रैंक का होता है, और ASI रैंक का हेड ऑपरेटर है। और जबकि वहीं असिस्टेंट ऑपरेटर जो होता है, हेड कह सकते हैं, हेड कांस्टेबल होता है, यानी हवलदार के पोस्ट कह सकते हैं, वहाँ तीन पट्टी लगी होगी, कोई स्टार नहीं मिलेगा। अगर हम नेक्स्ट प्रमोशन की बात करें, ASI से आप प्रमोट होकर सब इंस्पेक्टर बनेंगे। सब इंस्पेक्टर यानी SI, देखिए सब इंस्पेक्टर यहीं से एक पुलिस ऑफिसर की अधिकारी रैंक चालू हो जाता है। यूपी में आप देखे होंगे अभी हाल ही में 95 से 34 पर भर्तियाँ हुई हैं, जिसकी काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ गई है, क्योंकि धांधली भी हुई है, 121 गई है जनरल की आउट ऑफ 160, ठीक है? तो पेपर भी उतना भी ईजी नहीं था जितना लोग बता रहे थे, लेकिन क्या करेंगे आप, किसी का हुआ किसी का नहीं हुआ। तो SI का ये प्रतीक चिन्ह है, आप देख सकते हैं डबल स्टार होगा, और यहाँ आप देख रहे होंगे कि एक नीली पट्टी होगी, एक रेड पट्टी होगी, ठीक है? तो आप यहाँ भी देख रहे होंगे कि इनके कंधे पे भी दो स्टार है। ये दिल्ली पुलिस का ड्रेस है, आप देख सकते हैं यूपी पुलिस का सेम ऐसे ही रहेगा, डबल स्टार सबको मिलते हैं SI रैंक के।
और हम बात करें नेक्स्ट नेक्स्ट प्रमोशन होके आप बनेंगे इंस्पेक्टर, SI से प्रमोट होके आप इंस्पेक्टर बनेंगे, इसमें ट्रिपल स्टार मिलेगा। और ट्रिपल स्टार देखिए SHO में भी, इंस्पेक्टर को SHO भी कहा जाता है, इसको आप टेंशन ना लीजिएगा कि SHO अलग पोस्ट होती है, ये एक तरीके से इंस्पेक्टर ही होता है, DSP अलग होती है, उसको मैं आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए देख रहे होंगे आप 3 स्टार है, इसमें भी मिलता है इंस्पेक्टर में, पुलिस इंस्पेक्टर में, जिसे PI भी बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में। और यहाँ आप देख रहे होंगे कि रेड पट्टी लगी है और ब्लू पट्टी लगी है, इसको आप देख लीजिएगा। तो इसमें किस में रहता है, ये इंस्पेक्टर में रहते हैं, और इनको आप पहचान ही रहे होंगे, कवि शायर जी हैं, तो ये काफ़ी मशहूर भी हैं, यूट्यूब पे आप देख रहे होंगे। तो इनके ये 3 स्टार इनके लगे हैं, आप देख सकते हैं। देखिए अब नेक्स्ट प्रमोशन की बात करें, नेक्स्ट प्रमोट होकर आप इंस्पेक्टर से DSP बनेंगे। DSP का फुल फॉर्म हो जाएगा डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी DSP बोला जाता है। देखिए इसमें 3 स्टार लगे रहते हैं, सिल्वर स्टार रहेगा, आप देख सकते हैं, और इसमें कोई पट्टी नहीं रहती, ना रेड ना ब्लू, कोई पट्टी इस तरह से जैसे बनी रहती थी पहले, उस तरह से अब नहीं कोई पट्टी लगी रहेगी। कि यहाँ 2 पट्टी आप देखे होंगे प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस पोस्ट में, कि हमारा इंस्पेक्टर जो पोस्ट था उसमें रेड लगा था और ब्लू पट्टी लगी थी, लेकिन इसमें नहीं लगी है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ क्या क्या रहता है, प्लेन रहेगा पूरा, और आपका 3 स्टार रहेगा, तो आप DSP रैंक समझ जाइएगा। देखिए आप यहाँ देख रहे होंगे, तो DSP अनुरूप सिंह को आप पहचान ही रहे होंगे। तो ये हैं देखिए 3 स्टार है। मैं इन लोगों को सामने इसलिए लाए हूँ कि ये देखो रियल हीरो हैं सब, आप इनको लाइव को देखेंगे कि ये अच्छा खासा पब्लिसिटी भी कमाते हैं और काफ़ी अच्छा काम भी करते हैं। तो देखिए किसी भी हीरो का फ़ोटो लगाने के, अल्लू अर्जुन का फ़ोटो लगा दूँ, शाहरुख खान का फ़ोटो लगा दूँ, अक्षय कुमार का फ़ोटो लगा दूँ, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगा। जो इन्होंने मेहनत करके एग्ज़ाम दे के पास होके अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, अच्छा मतलब काम कर रहे हैं, तो उनको मैंने लगाना सही समझा कि आप लोगों सामने इन लोगों को रिप्रेजेंट किया जाए। और नेक्स्ट प्रमोशन की बात करें, नेक्स्ट प्रमोट होके आप ASI बनेंगे, ASP बनेंगे, ठीक है, ASP बनेंगे आप, DSP से प्रमोट होके ASP बनेंगे, असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस जिसे कहा जाता है। आप देखिए कोई भी IPS ऑफिसर होता है, यहीं से शुरू अपना लाइफ ASP से ही शुरू करता है, फिर उसके बाद SP बनता है, ऐसे प्रमोट होते चले जाते हैं। तो इसमें देखिए ASP का जो प्रतीक चिन्ह होता है वो अशोक स्तंभ होता है, कोई स्टार नहीं होते, प्लेन पट्टी रहती, कुछ भी नहीं रहता। आप जैसे यहाँ देख सकते हैं सैफीन हसन जी हैं, तो इनका आप देख सकते हैं कि ओनली क्या है, ये भारत अशोक स्तंभ लगाए हुए हैं और कोई इसमें स्टार नहीं होता है, ठीक है। ASP से प्रमोट होके हमारा SP बना जाता है। तो ASP देखिए यही असली में IPS अधिकारी यही होता है, आप देख सकते हैं सचिन अतुलकर जी हैं जो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, जिसे SP भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कि आपका एक अशोक स्तंभ रहेगा और सिंगल स्टार रहेगा और ये IPS लिखा रहेगा इस मतलब बैच पे, इनके पट्टी पे, इस पट्टी पे देख सकते हैं आप, यहाँ आप यहाँ खुद देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक अशोक स्तंभ और एक स्टार IPS का एक लोगो बना रहेगा, आप देख सकते हैं। अगर हम IPS के बारे में थोड़ा सा आपका शॉर्ट रिव्यू देते हैं, देखिए IPS जो होता है एक गैर महानगरी जिले का मतलब कह सकते हैं अधिकारी होता है, बहुत बड़ा अधिकारी। देखिए IPS अगर आप बन जाते हैं ना, IS IPS की बात ही अलग है, पूरा एक रौला होता है, कह सकते दबदबा होता है, आपके साथ काफिला निकलती हैं, जिस थाने जा होकर गुजरेंगे कोई रोकने वाला आपका नहीं रहेगा, उस थाने के और पुलिस आपके साथ निकलेंगी, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा यूनिक पद होता है IS तो अलग ही चीज़ है, लेकिन IPS की हम पुलिस लाइन में बात कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा रौला होता है, बहुत अच्छा मतलब धौस होता है इनका, कह सकते हैं। अगर आप बन गए तो आपकी ज़िंदगी क्या बहुत अच्छी ज़िंदगी हो जाती है। देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी हर जगह रहेगी, लेकिन जो सम्मान मिलता है ना वो किसी भी एग्ज़ाम और किसी भी उसमें, चाहे आप IIT बन जाइए, चाहे आप डॉक्टर बन जाइए, लेकिन इन सब के अलावा आप देखेंगे पावर और प्रतिष्ठा के बारे में, तो ये बहुत अच्छी पोस्ट हैं ये सब। फ्रेंड्स मैं इसीलिए आपको मोटिवेट करने के लिए लाया हूँ कि क्या क्या प्रमोशन होते हैं, क्या क्या रैंक होती है, क्या क्या पावर होती है। तो SP एक जान लीजिए जिले का बहुत मतलब महान अधिकारी होता है, तो DM के बाद पुलिस लाइन में यही सबसे हेड होता है। ये अब नेक्स्ट प्रमोशन की बात करें, तो आप SP से प्रमोट होकर SSP बनते हैं। SSP का फुल फॉर्म होता है सीनियर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। SSP का प्रतीक चिन्ह आपको हम बता दे रहे हैं। देखिए SSP का प्रतीक चिन्ह जो होता है, दो स्टार होंगे,
और दो स्टार होंगे, एक अशोक स्तंभ होगा आईपीएस का लिखा होगा, और यहीं से हमारा गॉजेट चला, मतलब कॉलर में जो ये आप देख रहे होंगे लगा हुआ, यहीं से स्टार्ट होता है, जो बिल्ला लगा हुआ कॉलर में यहीं से स्टार्ट होता है। तो आप देख सकते हैं जो एसएसपी होते हैं, एसपी में देखिए नहीं लगा था लेकिन एसएसपी से चालू हो जाता है, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, ऐसे आप पहचान कर सकते हैं। दो स्टार लगे रहेंगे, एक अशोक स्तंभ का चिन्ह लगा होगा, आईपीएस लिखा होगा, और एक कॉलर में दोनों साइड आप देख सकते हैं ये बैच लगा होगा। और एसएसपी से प्रमोट होकर आप डीआईजी बनते हैं, देख रहे होंगे डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यहाँ आप देख रहे होंगे मैम को कि इनके इनके कंधे पे भी दो स्टार, तीन स्टार लगे हैं, और उसके बाद एक अशोक स्तंभ लगा है, आप देख सकते हैं यहाँ साफ साफ आपको दिख रहा होगा, और कॉलर में ये दोनों बैचेज लगे होंगे। तो एसएसपी से यहीं से स्टार्ट होता है कॉलर में बैचेज, आप यहाँ ध्यान से अगर देख रहे होंगे आपको दिख रहा होगा ये वाला बैचेज की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो फिर उसके बाद यहाँ देख रहे होंगे आप कि एक अशोक स्तंभ होता है और तीन स्टार होते हैं, आईपीएस लिखा रहता है, तो ये हम क्या एसएसपी से प्रमोट होकर डीआईजी बना जाता है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रमोशन की बात करें, डीआईजी से प्रमोट होकर आप आईजी बनते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, आईजी के रूप में जाना जाता है, आईजी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, अब यहाँ से आपको यूनिक चीज़ बताते हैं, देखिए यहाँ से आपका जो होता है एक स्टार तलवार और डंडा चालू हो जाएगा, ये देखेंगे आप तलवार और डंडा हो गया और एक स्टार यहाँ हो गया, ठीक है, और आईपीएस लिखा रहेगा, और यहाँ आप देख रहे होंगे कि कॉलर पे बैजेस लिखे लगे होंगे। और एक सबसे यूनिक बात जानते हैं क्या, यहाँ पर भी उनको ये पट्टी देख रहे होंगे, यहीं से ये पट्टी स्टार्ट होती है, आईजी रैंक से ही पट्टी स्टार्ट होती है। अब आप पिछले वीडियो में पोस्ट देखे होंगे, जो डीआईजी था उसमें ये नहीं था, लेकिन आईजी रैंक से ये स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट प्रमोशन, आईजी से ऊपर कौन होता है, तो ये एडीजीपी होता है। तो एडीजीपी का प्रतीक चिन्ह बताने से पहले फुल फॉर्म आप देख लीजिए, एडीजीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एडीजीपी का फुल फॉर्म होता है। यहाँ भी आप देख सकते हैं एक अशोक स्तंभ, और यहाँ आप देख सकते हैं क्या है कि एक तलवार और डंडा है, और यहाँ भी आप पट्टी देख सकते हैं, कॉलर में भी पट्टी लगी है, ठीक है, और यहाँ आप देख सकते हैं एक तलवार और डंडा मैम को लगा, और उसके बाद अशोक स्तंभ का चिन्ह लगा है, ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। तो ये जो होता है, और इनका टोपी भी देख रहे होंगे आगे अलग ही रैंक की हो जाती है, जैसे हम लोग पुलिस का देखते हैं, एसआई रैंक का देखते हैं, तो ये पूरा ये सब आगे नहीं लगे रहेंगे, आप देख रहे होंगे ये सब आगे ये सब नहीं लगे रहते, लेकिन पूरा सिंपल रहता है, सादे रहते हैं, ठीक है। उस पर उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश का ऐसे लोगो बना रहेगा, लेकिन इसमें क्या है आपका देख रहे होंगे, जैसे कॉलर पे जैसे ये लगा है, कॉलर पे जो ये लगा है वही यहाँ एक टोपी पे लगना चालू हो जाता है, तो आप यहाँ भी देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रमोशन, आप एडीजीपी से प्रमोट होके एसडीजीपी बनते हैं, स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जिसे कहा जाता है, आप देख सकते हैं स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रमोशन हमारा यही था, जिसमें एक अशोक स्तंभ होता है, तलवार और डंडे, यहाँ आप देख सकते हैं आईपीएस का लोगो लगा रहता है, और वहाँ पर भी देखिए आप कॉलर में इनके भी बैचेज लगे हैं, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट प्रमोशन था एडीजीपी से प्रमोट होकर आप एसडीजीपी बनते हैं। और पुलिस का सबसे कीमती पद और सबसे लास्ट का पद और सबसे बड़ा पद यही होता है, जिसे हम डीजीपी के नाम में जानते हैं, डीजीपी के नाम से जानते हैं। देख रहे होंगे आप कि ये ही हमारा 14 नंबर का सबसे ज़्यादा मतलब प्रमोटेड, या कह सकते हैं ये डायरेक्ट भर्ती नहीं होती, सब प्रमोट होकर बनते हैं, आईपीएस अधिकारी होते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जिसे डीजीपी के नाम से जाना जाता है, यहाँ आप देख रहे होंगे इनके भी एक अशोक स्तंभ लगा रहेगा, तलवार डंडा लगा रहेगा, और आईपीएस लिखा रहेगा, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ भी मनोज मुकुल गोयल हैं अभी उत्तर प्रदेश के डीजीपी थे, आप देख सकते हैं, इनका ये देखिए कॉलर में बैचेज लगे हैं, और एक तलवार डंडा बना है, और ये अशोक स्तंभ का चिन्ह लगा है, आईपीएस भी लिखा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं मुकुल गोयल हैं, जो उत्तर प्रदेश के हाल ही में अभी डीजीपी हैं, ठीक है।
तो फ्रेंड्स ये मेरा काम था आपको इन्फॉर्मेशन देना कि पावर आप पुलिस क्या होता है, पुलिस की क्या क्या पावर होती हैं, क्या क्या रैंक होती हैं, मैंने सब अच्छे से बताया हूँ। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो ये देखिए, मैं इसलिए इस वीडियो को बनाया हूँ कि देखिए जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं तो उसके बारे में आपको अच्छे तरीके से जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे ऊपर कौन कौन से अधिकारी होते हैं। अगर आप मान लीजिए कांस्टेबल बन जाते हैं तो SI के ऊपर आपको पहचानने में दिक्कत होगी, SI के पहचाने में मान लीजिए इंस्पेक्टर है कि DSP है, आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। तो मैं पहले से क्लियर कर देता हूँ ताकि आप कुछ उनके बारे में जानें और आपको एक तरीके से मोटिवेशन ले। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।